आज के इस वेबिनार में मैं संजीव आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज जो बातें हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे शख्स एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसने जिनको लाने के लिए कुछ टाइम लगा मुझे। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा पीछे जाकर कि आपने पीछे विनोद सैनी को पिछले मंडे को आपने देखा था कि विनोद सैनी जी आए हुए थे, वो मेरे पहले पार्टनर थे और उनके बिजनेस को मैं बहुत आगे बढ़ा लिया था। जब विनोद सैनी जी की कार तक आ चुकी थी तब भी मेरा बिजनेस नहीं, मैं अपनी सेकेंड लेग नहीं चला रहा था और तब तक मैं, मुझे लगता है कि 18-19 महीने तक मैं इस बिजनेस से 5-6 हज़ार रुपये मात्र कमाया था। लेकिन एक चीज़ थी कि मैं कुछ चीज़ों में मैं मास्टर हो गया था, ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण लेना, वर्कशॉप लेना, वो सारे काम जो बिजनेस के होने चाहिए वो सब चीज़ें मुझे आ गई थी। और सबसे ज़्यादा मैं किसी चीज़ में प्रखर हुआ, तेज हुआ, तो वो मोटिवेशन इमिटेशन में मैं बहुत तेज हो चुका था। मुझे बस एक ही चीज़ की तलाश थी कि एक ऐसे व्यक्ति को अपने सेकेंड लेग में ले आऊँ जिसके नीचे मैं तूफान के तरीके से एक कारमा खड़ा कर दूँ। और वो समय आया कुछ 18-19 महीने बाद जब एक व्यक्ति का जन्म हुआ इस बिजनेस में जिनको मैं इन्वाइट किया, जो ऑलरेडी इलाहाबाद में पढ़ते थे, और उनको मैं बुला के ले आया, इस बिजनेस प्लान को दिखाया। और वो कुछ सोच रहे थे, संकोच रहे थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। और हुआ भी वही कि उन्होंने मेरा पूरा भरपूर साथ दिया और उनके नीचे मैंने सेलों की लाइन लगा दी, एक लड़ी लग गई, अनगिनत लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। और इस मैंने किसी को ज्वाइन कराने में, मोटिवेट करने में मैं थोड़ा सा 18-19 महीने में बहुत तेज हो चुका था। और उसके बाद संदीप जी का जन्म हुआ इस बिजनेस के अंदर। मिस्टर संदीप जी आए और उसके बाद उन्होंने काम की शुरुआत करी। जो इलाहाबाद में पढ़ते थे, पढ़ने के लिए गए थे, अच्छा एजुकेशन था, इन्होंने बीकॉम किया, एलएलबी किया और फिर इस बिजनेस में शुरुआत करी। और बहुत छोटी सी उम्र थी, कच्ची सी उम्र थी, लेकिन बहुत साथ दिया इन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि आज इनका दिन है तो ये हमें बताएं कि किस किस तरीके से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी और क्या सोचते थे और आज कहाँ हैं और कल कहाँ तक जाना चाहते हैं। और इस दुनिया के अंदर जो लोग इनके नेटवर्क में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं उनके लिए इनकी क्या धारणाएं हैं। तो इन सारी बातों के साथ मैं चाहूंगा कि सत्यदीप जी का यहाँ पर आगमन हो। और मोस्ट वेलकम मिस्टर संदीप सिंह, जो आज हमारे बिजनेस के मरकरी लीडर हैं। तो मैं स्वागत करता हूं संदीप जी का। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर, सबसे पहले तो आपको सर प्रणाम, जो आपने हमें इस लायक समझा और इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी पे हमें ये मौका दिया बात करने का। रियली आज मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सर कि आपने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मैं पढ़ाई किया करता था। लेकिन सर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को शेयर भी करना चाहूँगा और फिर स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को रखूँगा। ये नाम सत्यदीप सिंह, एक छोटा सा नाम जो लगभग 15 साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता था, 21 साल की उम्र में था। और मुझे नहीं मालूम था कि जो शख्स अभी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिए हैं, सर की ही कृपा है, सर की ही महानता है कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका सदैव ऋणी हूँ जो आपने मुझे ये शानदार मौका दिया। साथ ही मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे सकनाथ की कोर टीम को, मिस्टर संजय कटोच सर, मिस्टर संजय गुप्ता सर और ऑलरेडी सभी वो कोटी मेंबर्स जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि जहां पर हम अपनी कामयाबी की बातों को रख सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से रख रहे हैं। ऑलरेडी इतने बड़े लीजेंड पर्सन यहां पर इकट्ठे हैं, सभी लीजेंड्स को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, जो आप लोगों ने कृपा और दृष्टि बनाई और सभी लोग आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो लेट्स ग्रो के कोर टीम मेंबर्स हैं, वो कोर टीम मेंबर्स जैसे पटियाल ब्रदर साहब, और ऑलरेडी जो लेट्स ग्रो हमारी एक सिस्टम है जिसमें सारी चीजें बहुत प्यार से, बहुत ही एक दूसरे को इस तरीके से किया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि अपना कौन है पराया कौन है। एक ऐसा परिवार का आगमन और जन्म हुआ जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही छोटा होगा। तो एक शानदार सी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एक शानदार सा प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए आप सभी कोर लीडर्स मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने भीड़ से उठा उठा करके ऐसे ऐसे लोगों को बहुत ऊपर खड़ा कर दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अपने वो कोर टीम मेंटर्स की, वो हीरोज जिन्होंने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को दिया। मिस्टर प्रवीण सर, जिनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा साथ बना रहा, जो ऑलरेडी हर समय साथ में रहते हैं, लेकिन जिसका सबसे बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा, जिन्होंने मुझे हर वक्त देखा, संभाला। और 21 साल की उम्र से जब मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था तो मेरी उम्र मात्र 21 साल थी और बीकॉम का स्टूडेंट हुआ करता था,
उस दौरान सर के माध्यम से मुझे ये सब चीज़ देखने को मिली। आज मैं सर का बहुत ऋणी हूँ। सर ने मुझे अपने को इस लायक समझा मेरे को, जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। अदरवाइज मैं इस लायक नहीं था, मैं तो नौकरी की सोच के साथ गया था, क्योंकि मैं कैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिसके ऊपर मैं आगे भी चर्चा करूंगा भी कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या सब कुछ है। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस बिजनेस में मरकरी हूँ। आज मेरे पास अपना खुद का मकान है, आज जो लाखों की इनकम है, आज मैं करोड़ों के घर में जो रहता हूँ, ये सब कुछ हमारे सर की देन है, जिन्होंने मुझे पकड़ा। इस बिजनेस की यही तो खासियत है कि जब कोई आपको चुनता है ना, तो चुनता नहीं है, आपको चुन करके इतना ऊपर लेके चला जाता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि आप हैं क्या, थे क्या और कहाँ चले गए। तो इसके लिए सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो आपने मुझे मौका दिया और इस लायक समझा बनाया। मेरे प्रथम गुरु मेरे माता पिताजी, बहुत बड़ी बात है। जीवन में किसी न किसी के माध्यम से हमारा आगमन होता है। मेरे प्रिय माता पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया और जिनके संस्कार, जिनके विचार बहुत ही शानदार रहे, जिन लोगों ने मुझे बचपन से ये प्रेरणा दी कि आपको बहुत ही बड़ा कार्य करना है, बहुत आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं कैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। हम जिस परिवार में जन्म हुआ मेरा, वो भी एक ऊपर वाले की दया थी कि उन्होंने मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे जन्म से पहले ही मेरे परिवार में डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी, मास्टर भी, रेलवे में जीएम भी, और वर्तमान समय में आईएएस अधिकारी भी घर में उपलब्ध हैं। मतलब पूरा एकदम परिवार जो हमारा है पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। नौकरी को बहुत प्राथमिकता दी जाती है और ईश्वर की दया से सारे तरह के लोग उसमें पड़े हुए हैं। मेरी भी सोच थी मेरे माता पिता के माध्यम से मिली कि आपको भी आगे बढ़ करके नौकरी करनी, बड़े पिताजी की तरह बनना है जो रेलवे में जीएम है, या फिर आपको बहुत बड़े ओहदे पर जाना। मैं भी उसी तैयारी के साथ इलाहाबाद चला आया था, इन्हीं सोच के साथ, क्योंकि मेरे माता पिताजी को लगता था कि यहाँ सब कुछ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। एक अच्छे परिवार संस्कार होने के बावजूद जब मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था, तो उसी दौरान मैं अपने ग्रेजुएशन को कर रहा था, बीकॉम और एलएलबी की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान मेरी मुलाकात संजीव सर से हुई। और ये 2004 की घटना है, 2004 के आसपास की बात है। जब 2004 में मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसी दौरान सर से एक छोटी सी मुलाकात हुई और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे छेड़ दिया। कहा कि सदीप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि सर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि परिवार का प्रेशर है कि आपको भी एक शानदार सी नौकरी करनी है और जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बोला यार वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको देखो, तुमको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से हो सकता है। हमने कहा सर ऐसा क्या है? तो सर ने मुझे बताया, वो प्लान दिखाया, वो 50 लाख का प्लान। जब हम देखते हैं शेफ साहब का प्लान, वो कंपनी शेफ साहब के बारे में 2 लाइन भी बोलना चाहूंगा। शेफ साहब वो कंपनी है जो जहां पर लोगों की जिंदगी बदल जाती है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पर लोग आते हैं और अपने पूरे जीवन को बदल देते हैं। इतनी पावर रखती है हम सबकी प्यारी कंपनी शेफ साहब, जिसने हम सब जैसे लाखों लोगों के जीवन को बदल के रख दिया है। उसी प्लेटफॉर्म उसी कंपनी का कंपनी को देखने का मौका मिला। सर ने जब मुझे प्लेटफॉर्म बताया 50 लाख की बात, तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी सोचने की बात है कि 50 लाख रुपए 1 साल के अंदर। क्या मजाक करते हो सर, ऐसा भी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो सब हमारे देश में अमीर हो चुके होते, बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, सर की बातों को मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन सर ने फिर दोबारा तिबारा मुझे इस चीज को बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। और सर ने विश्वास दिलाया, घबरा मत, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम दोनों करोड़पति बनेंगे। ये तब की बात है जब मैं इस बिजनेस में आया नहीं था, तब की बात है। सर ने बोला घबरा मत, हम दोनों करोड़पति बनेंगे। तुझे मालूम है कि मेरी एक तरफ टीम बहुत बड़ी हो चुकी है और मैं एक ऐसा सुंदर पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ जो जिसका समर्पण विश्वास बना रहे, जो जिसको जो बोलूं वो करने के लिए तैयार है, बस वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो हमने कहा सर अगर ऐसी बात है सर तो चलो सर मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे वो करूंगा। और दोस्तों 2004 से इस तरीके से मेरा शेफ साहब में आगमन हुआ, सर के माध्यम से आगमन हुआ, सर के इनकम लेग में मैं आया, सर का बहुत सपोर्ट रहा। वो दिन भी मुझे याद है कि जब हम और सर शुरुआती दौर में बिजनेस की शुरुआत किए, तो मेरी साइडें लगभग 200-300 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, हम लोग एक साथ चला करते थे। और वो भी दिन याद है कि एक एक दिन में 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर हम लोगों ने बाइकें चलाई हैं। उस जमाने में सुबह निकलते थे, शाम तक चले आते थे घर पे। रीजन ये होता था कि जेब में इतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जब इस बिजनेस करने की बात आई तो सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली से ये दबाव दिया गया था कि अगर बेटा आपको ये बिजनेस करना है ना, तो आपको फैमिली से थोड़ी सी दूरी बनाकर रहनी पड़ेगी। और इस परिवेश में मैंने बिजनेस को चुना और मैं आगे बढ़ा। और हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग कहीं स्टे कर सके, और 400-500 किलोमीटर हम लोग साथ चला करते थे बाइक पे। वन सुबह 4 बजे निकलना, दिन में 10 बजे पहुंच के प्रेजेंटेशन करना, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर शाम को 5 बजे वहां से रिटर्न आना, और रात के 11-12 बजे तक हम लोग रोड पे घुमा करते थे। एक पागलपन था, एक जुनून था, एक ऐसा जुनून कि जिसके बारे में मैं क्या बताऊं। पता नहीं कहां से इतनी ताकत और शक्ति आती थी कि बस काम करना है तो करना है। कोई शख्स आगे आगे बोल दे कि भाई आप जिस प्लेटफॉर्म को ले रहे हो, आपकी उम्र तो बड़ी छोटी सी है, किसी को हम प्लान दिखाते थे वो बोलता था कि भाई आप डायमंड बन पाओगे,
कोई है डायमंड आपके अगल बगल? ऐसे ऐसे सवाल आते थे, कोई है डायमंड आपके अगल बगल? तो हम लोग का जवाब होता था, सर कोई डायमंड तो नहीं है, लेकिन अंदर से एक आवाज निकल के आ रही थी कि कोई डायमंड है या नहीं है, लेकिन जो बंदे जिससे आप बात कर रहे हो ना, 5 साल वेट करो, यही बंदे डायमंड बन के आएंगे। एक अजब सा जुनून हुआ करता था दोस्तों, मतलब क्या मैं बताऊं, वो पागलपन जुनून इस हद तक था कि जो आज उठा के वहां से यहां लेकर आया। अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए सर के साथ में एक दिन बैठा हुआ था, हमने कहा कि सर अपने लोकल एरिया में तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं सर, कुछ आगे कैसे बिजनेस को और बढ़िया बढ़ाया जाए। तो संजीव सर के साथ में बैठा हुआ था, ये 2007 की बात है, उस समय मैं पर लेवल पे आ चुका था। तो सर ने मुझे सुझाव दिया कि देखो सरदीप रोटी खाते हो? हमने कहा हाँ सर रोटी हम लोग खाते हैं। कहा कि रोटी को बीच से खाते हैं कि किनारे से तोड़ के खाते हैं? तो हमने कहा सर रोटी को तो हम लोग किनारे से तोड़ के खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक इंडिया का जो नक्शा है कि ये रोटी है, इसको एक एक स्टेट से तोड़ तोड़ के हम लोग खाएंगे, तो एक दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बिजनेस को डेवलप कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने समझाया। उसके बाद मेरे को बात समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग का अगर सुख लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे लेने और लोगों के जीवन को बदलना है और अपने जीवन को बदलना है, तो आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट किसी एक स्टेट के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि सर की उस प्रेरणा के बाद 2007 में जब मेरा लेवल पर्ल का था, उस समय मैं अपने बिजनेस को लेकर के आंध्रा निकल गया, उसके बाद फिर मैं उड़ीसा निकल गया, उसके बाद बिहार दिल्ली हरियाणा पंजाब गुजरात महाराष्ट्र इन सारे स्टेटों में मैं निकलने लगा। धीरे धीरे जो बिजनेस हमारा काफी स्टेटों में फैल गया और वहां से जबरदस्त रिटर्न्स आने लगे। वो दौर बहुत ही कठिन हुआ करता था, क्योंकि उस दौरान नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जब बातें किसी से करो ना, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गड़बड़ चीजें होती नहीं है, बल्कि हमारा नजरिया गड़बड़ होता है। इस चीज में मुझे जो दिखता था वो उनको नहीं दिखा, और उसके बाद हमारा बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये सब कुछ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा था, बिजनेस हर जगह डेवलप होने लगा, नतीजे ये होने लगे कि हर जगह से रिजल्ट भी बहुत सुंदर आने लगे। सर के साथ मैं बिजनेस को और बेहतर तरीके से करने लगा, हमारा सर का तालमेल बहुत ही सुंदर रहा। कभी जीवन में मुझे वो दिन नहीं याद है कि सर से हमारी कभी किसी बात को लेकर के झिझक हुई हो, कभी भी मैंने सर को लेकर के कोई बात नहीं बोली, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो शख्स मेरे जीवन को बदलने के लिए गारंटी ले रहा है, उस आदमी से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर वो मुझे डांटेगा भी तो मेरे फायदे के लिए, अगर मुझे कहीं भगाएगा भी तो मेरे फायदे के लिए, मुझे कहीं लेकर जाएगा तो मेरे फायदे के लिए। तो एक व्यक्ति जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है, एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी अगर आपको मिल चुकी है, तो फिर उससे लड़ना क्या है? वो जो कहे वो करने के लिए तैयार है। कुछ इन्हीं सारी चीजों के साथ में चलता रहा सर के साथ, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए। 2007 बीता जब मैं पर्ल हुआ, 2008 में फिर मैं टोपाज बना, 2008 फिर मैं टोपाज बना, टोपाज का प्रमोशन लिया, फिर 2009 में मैं एमरल्ड बना। एक ऐसा स्टेप आया मेरे जीवन का जब मैं सेफ शॉप में एक सुल्तान के पद से नवाजा गया सर के माध्यम से, वो सारा चीज चल रहा था वहां पर। इस दौरान मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी परचेज करी अपने लिए, जेन स्टीलो। जब मैंने इस गाड़ी को परचेज करी तो मेरे घर वालों ने सोचा कि यार ये कर क्या रहा है। बहुत ही अजीब सा रिजल्ट आया वहां से, मतलब हमारे घर वालों ने बोला यार तुमने पैसे कमाया कहाँ से लिया, कहाँ से लोन लिया, बहुत सारी बातें आने लगी, प्रेशर्स आने लगे, क्योंकि उनको अभी भी मेरे काम पे यकीन नहीं था। कहते ना कि सबसे अधिक समझाना अपने परिवार को ही टेढ़ा काम होता है, मैं अपने परिवार को समझा नहीं पा रहा था, बस मैं काम करता जा रहा था, मेरी उपलब्धियों से लेके चला जाता। ये एमरल्ड लेवल था जहां पर 1500 लोगों के बीच में मेरा प्रमोशन हुआ, कंपनी का 5वां लेवल। सर का प्रेरणा सर का आशीर्वाद मिलता रहा, जेन स्टीलो कार के साथ मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाता रहा। इस कार के आने के बाद मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, जितने जगह पे मैंने नाम लिया वहां पर धीरे धीरे बिजनेस काफी डेवलप होने लगा, लड़के वहां से निकल के आने लगे, उनका भी विश्वास जगने लगा। क्योंकि एक बात मुझे सर से बहुत साफ सीखी थी मैंने कि हमारी ताकत हम नहीं है, हमारी ताकत हमारी टीम होती है। मैं कितना भी ताकतवर इंसान हूं, मैं कितना भी मतलब दिमाग वाला इंसान हूं, लेकिन अगर मेरे पास टीम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी ताकत मैं नहीं हूं, मेरी ताकत मेरी टीम है, और जब तक ये टीम मेरे पास रहेगी मेरे पास लाखों करोड़ों आते रहेंगे और मेरे बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। इन सारी बातों के साथ मैं अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके बढ़ रहा था, प्रक्रियाएं चल रही थी। फिर 2010 का आगमन हुआ, 2010 में यही सत्यदीप सिंह फिर से दोबारा रूबी का प्रमोशन लेता शानदार तरीके से उसी 1500 लोगों के बीच में, और कंपनी के 6ठे लेवल को अचीव करता है। यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा था। इस दौरान सेल्स के रेशियो बहुत सुंदर हो गए थे, हफ्ते के 400-500 का रेशियो आ चुका था, हफ्ते के 400-500 सेल्स जाया करते थे 2010 में, और एक बेहतरीन इनकम के साथ बिजनेस चल रहा था। दोस्तों मतलब रियली क्या बताऊं, कहते ना कि टीम की ताकत तभी समझ में आती है जिसने टीम का बनाया हो, और ये सारा सब कुछ हो रहा था सर जी के सानिध्य में। हम लोग मिल के काम कर रहे थे, जहां भी जाना हो मिल के जाना, एक दूसरे का साथ देना, बढ़ चढ़ के काम को बढ़ाना, और काम बहुत बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, लग ही नहीं रहा था। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे नहीं होगा, दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि सर हम आपके साथ हैं, सर मुझे भी आपकी तरह डायमंड बनना, एमरल्ड बनना, रूबी बनना, गजब का ये चीजें चल रही थी। दोस्तों इस दौरान मैं क्या बताऊं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा काम चल रहा था।
फिर आया मेरा वो ड्रीम डायमंड लेवल, जिसके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। इस लेवल से पहले सर ने मुझे एक सपना दिखाया था कि देखो संदीप, डायमंड से पहले आपको कैपिंग लेनी है। और रियली बताऊं, ये मेरा डायमंडशिप का प्रमोशन हुआ था अप्रैल 2011 में, और अप्रैल की जगह फरवरी 2011 में मैं इस बिजनेस में कैपिंग भी ले चुका था शानदार तरीके से। यहाँ पर जो आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मेरा ही अकेले का प्रमोशन नहीं था, एक बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ को देखने को मिलेगी। मेरे साथ मेरे तीन मेरी अपलाइन संजीव सर भी खड़े हैं, साथ में दिनेश सैनी जी और दिनेश गुप्ता जी भी खड़े हैं। ये एक प्रोग्राम हुआ था हमारा वाराणसी में, ओपन शो हुआ था, जिसके अंतर्गत लगभग 10,000 से ऊपर की पूरी ओपन गैदरिंग थी, जहां पर ये ओपन प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम हुआ था शानदार तरीके से, जिसके अंतर्गत मेरा डायमंड का प्रमोशन हुआ था। इस प्रमोशन के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई थी कि मेरे सर का वहां पर वीनस का प्रमोशन था। सर की एक सबसे बड़ी खासियत कि सर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, हम तीनों को भी आगे लेके चलते गए, उसमें से मैं भी हूँ, मेरा भी काम आगे बढ़ता चला जा रहा था। सर का वीनस का प्रमोशन रहा, विनोद सैनी जी का डबल डायमंड का प्रमोशन था, दिनेश गुप्ता जी का डबल डायमंड का प्रमोशन था, और मैं इस प्रोग्राम में डायमंड बनकर आया था। इस प्रोग्राम की एक और खासियत थी जो मैंने आपसे बताया, जो मेरी स्पीड थी, उस स्पीड की देन ये थी कि इस प्रमोशन में मेरे 200 सिल्वर्स का प्रमोशन था। 200 सिल्वर्स के साथ मैं डायमंड का प्रमोशन लेने आया था दोस्तों, मतलब रियली एक ऐसा बिग अचीवमेंट था मेरी लाइफ का कि मैं सोच नहीं सकता था। वो शख्स जो जीवन में पहले अपने सिल्वर के लिए सोच रहा था, लेकिन आज वो शख्स 200 सिल्वरों के साथ प्रमोशन आया था, एक जबरदस्त चीज। 200 लोगों को जब स्टेज पर आने लगे तो मेरी अपलाई ने बोला कि सर यार संदीप ये बता, 200 लोगों को हम प्रमोशन कैसे एक घंटा में देंगे। तो हमने कहा सर टेंशन मत लो सर, जब प्रमोशन लेकर आए तो उनको प्रमोशन भी दे देंगे, बस ऐसे ऐसे हमने स्ट्रेटजी बना ली है। सर को जब मैंने तरीका बताया तो सर ने कहा रियली बहुत बढ़िया शानदार बेटा, चलो करते हैं। और ये प्रोग्राम इतना धमाकेदार रहा, इतना धांसू रहा कि इसके बाद फिर पीछे मुड़कर हम लोगों ने देखा नहीं। इसके बाद जबरदस्त तरीके से काम बढ़ता रहा। इस डायमंडशिप में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो मेरे सर का था। ये बोर्ड लेवल है, जब हम कंपनी को पहली बार किसी को प्लान दिखाते हैं ना कि देखो भाई साहब आप जिस बिजनेस को ज्वाइन करोगे 50 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वही 50 लाख रुपए मात्र 5 साल के अंदर मेरे पास आ गए। सबसे बड़ी बात थी, एक 21 साल का लड़का जो इस बिजनेस को शुरुआत करता है और 5 सालों के अंदर मात्र 50 लाख को कमा लेता है। अगर देखा जाए तो सालाना इनकम 10 लाख रुपए होती है। वो बैचलर, वो स्टूडेंट जो अभी ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं एक बात और बताऊं, जीवन में आज तक मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने जीवन में आज तक एक ही फॉर्म भरा है और उस फॉर्म का नाम है शेफ शॉप कंपनी का फॉर्म। दूसरा फॉर्म आज तक मैंने नहीं भरा, न तो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करी, न तो किसी जॉब के लिए अप्लाई करी, न तो किसी बिजनेस के लिए अप्लाई करी, सीधा एक ही काम किया जीवन में, शेफ शॉप अपनाया। क्योंकि एक बात बहुत साफ है, मेहनत तो हर जगह करनी है, लेकिन पैसे कहाँ अधिक से अधिक आ सकते हैं, इस बात को समझ करके हमने इस काम को शुरू किया। और सर का पूरा आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा दोस्तों, और ये नजारा रहा हमारे कामयाबी का, जहां पर मैं एकदम शानदार तरीके से यहां पर प्रस्तुत हुआ। और रियली एक ग्रेटफुल दिन था हमारे लिए, 23 अप्रैल 2011 का दिन था। इस दिन को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस ड्रीम को लेकर के हम इकट्ठे हुए थे, उस ड्रीम को हम सब चारों लोगों ने एक साथ पूरा किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था सर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद कंपनी गोवा ट्रिप एक बहुत बेहतरीन चीज रहा 2012 लाइफ का मेरे। मैंने आपसे बताया कि डायमंड से पहले कैपिंग की शुरुआत हो चुकी थी, और उस समय के जो सेल्स के रेशियो थे हफ्ते के 1,000 के हुआ करते थे। शानदार से काम चल रहा था हम लोगों का, और उस समय कंपनी हम लोग की फॉरेन ट्रिप में सिर्फ थाईलैंड दिया करती थी, और मैक्सिमम हमें इंडिया टूर ही दिया जाता था। गोवा का ट्रिप वो अगर चलता था, इस दौरान जो मेरा काम था उसी दौरान काम इतना बेहतरीन चला था कि टोटल 82 लोग कंपनी के टारगेट जीते थे, और हम सभी लोग पूरे बाई एयर इंडिगो की एक फ्लाइट को बुक करके पूरे के पूरे सभी लोग एक साथ गोवा गए थे कंपनी की तरफ से टूर पे, जहां पर सारे मेरे टीम लीडर्स थे। एकदम जबरदस्त तरीके से काम को उठाते हुए सर का पूरा आशीर्वाद प्यार वहां पर था। हम दोनों लोग साथ में वहां पर आप देख भी रहे हैं, और पूरी टीम भी, और जो मेरी टीम मेरे साथ गई थी, पूरी की पूरी फ्लाइट भरी हुई है सेफ सब एडवाइजर से। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई, जब हम लोग गए थे गोवा तो हम लोग सिंपल ड्रेस में गए थे, और जब हम लोग रिटर्निंग कर रहे थे तो रियली मैं बताऊं, जब सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम सभी लोग सूट में चलेंगे, और इस बार फ्लाइट में हम लोग सूट में एक साथ बैठेंगे, आप देख भी रहे हैं सभी लोग सूट में बैठे हुए हैं, तो जब सारे सूटधारी सेफ साहब के सूटधारी जब गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वहां पर जितने भी लोग खड़े थे ना, जो चेकिंग करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट वाले और जो भी वहां पर पर्यटक आए हुए थे, सब परेशान से होते हैं, यार ये कौन है जहां पर सिर्फ सूट वाले ही दिख रहे हैं, किस कंपनी से बिलोंग करते हैं आप लोग। सब रोक रोक के पूछ रहे थे कि भाई किस कंपनी से आप, क्या करते हो, क्या काम करते हो आप लोग, जो इतने मेंटेन तरीके से यहां पर आए हुए इस तरीके से। तो हम लोगों ने एक ही बात बोला, जो हमारी प्यारी कंपनी शेफ साहब, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये कंपनी हर किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखती है, मेरे जैसे नाचीज को यहाँ से यहाँ तक उठा के ला दिया, तो आप जैसे लोगों को भी, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, उनको भी जीवन को बदलने के लिए ये पूरी तरीके से समर्पित है, तत्पर है।
तो ये शानदार अचीवमेंट रही उस दौरान, 2012 की घटना है, जिसके बाद बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से और डेवलप हो रहा था, हजारों सेल्स हफ्ते के रेशियो जा रहे थे जो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था दोस्तों। इसके बाद मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जैसा होता है कि अपने जीवन में एक बार आपको शादी करनी पड़े एकदम शानदार तरीके से अपना एक लाइफ पार्टनर चुनना पड़ता है, मैं इस बिजनेस की बात बताऊं, मेरा एक ड्रीम था कि मैं इस बिजनेस में तभी शादी करूंगा जब मैं करोड़पति हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी वैसी नहीं जीनी थी जो हमेशा कंप्रोमाइज वाली रहे, बल्कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए थी कि मैं जब बिजनेस डेवलप कर लूं तो मेरे पास एक शानदार सा नेटवर्क रहे, पैसे कोई कमी ना रहे, हम पति पत्नी अगर कहीं घूमना चाहें या कहीं कुछ करना चाहें तो हमें उसके लिए कहीं सोचना ना पड़े। तो दोस्तों वो दिन भी मेरे जीवन में आया जब मैं डबल डायमंड बना, आफ्टर डबल डायमंड मैंने इस बिजनेस में अपने जीवन के लिए अपनी वाइफ का एक चुनाव हुआ और शादी हुई, और इस शादी के दौरान भी सबसे बड़ी बात रही कि जब लाइफ पार्टनर को चुनने की बात आई थी तो सर उस दौरान मेरे साथी थे और सर ने भी बोला कि संदीप बहुत बेहतरीन लड़की, शादी कर ले, जीवन बहुत खुशहाल रखेगी, और हमने उस चीज़ को किया। और साथ ही में एक ड्रीम था कि मैं जब शादी करूंगा तो मेरी खुद की गाड़ी होगी। अक्सर देखने को मिलता है कि जब हम शादी करते हैं तो किराए की गाड़ी होती है, दूल्हे को उतारते हैं और जैसे ही दूल्हा उतरता है तब तो गाड़ी वाला पैसा लेता है और कहता है भैया पैसा दो, हमें जाना है दूसरी पे। लेकिन जब मैं शादी में अपनी शादी की तो मैंने अपनी शादी के लिए खुद की 15 लाख की स्कॉर्पियो परचेज करी थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि शादी होगी तो अपने खुद की गाड़ी में होगी, जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो अपने गाड़ी, जो अपने शादी में पैसे इन्वेस्ट होंगे वो मेरे ही होंगे, और शादी को करने में 15 लाख की गाड़ी और 15 लाख रुपए हमने और इन्वेस्ट किया, टोटल 30 लाख रुपए टोटल खर्चा है अपनी शादी को मेंटेन करने में। लगभग 150 से 200 गाड़ियां खड़ी थी, एक शानदार सा कारों का काफिला था, लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कारों का काफिला ही चल रहा था, जो लोग भी गुजरते थे कहते थे यार किसकी शादी है, मतलब अपने एरिया में टोटल इस चीज को लेकर के काफी लोग सोचने को मजबूर हो गए। लोगों ने यहां तक रिप्लाई किया कि 25 साल तक ऐसी शादियां नहीं होगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये पावर जो मुझे सेफ साहब ने दिया, जो मेरी पहचान सेफ साहब ने बनाई, और मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शक संजीव सर ने जो मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, ये उन्हीं की देन है कि जो मैं इतने बड़े अपने ड्रीम को प्रूव कर पाया, क्योंकि ये सपने माता पिता के पैसे से पूरे नहीं हो सकते, ये सपने दहेज के पैसे से पूरे नहीं हो सकते, ये सपने जब भी पूरे होंगे तो आपके अपने पैसे से हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमाएंगे तभी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। और वो पावर मुझे सेठ साहब ने दिया, करोड़पति बना दिया, करोड़पति बनने के बाद ये हमने सपना पूरा किया बहुत ही शानदार तरीके से। फिर 2013 आया तो 2013 में मैं ट्रिपल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बनने के साथ साथ मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा। फिर 2014 आया जब मेरा वीनस का प्रमोशन हुआ, जहां पर मैं मेरी फैमिली एक साथ प्रमोशन ले रहे हैं। इसके पहले मैं, आपने देखा कि मैंने किसी भी प्रमोशन में आपको विद फैमिली नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरी फैमिली थी ही नहीं, मेरी फैमिली उस समय मेरी टीम थी। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा संकल्प था कि मैं अपनी टीम को पहले अपने परिवार से परवरिश करूंगा, अपने नीचे डायमंड निकालूंगा, जब मेरे लेफ्ट और राइट से डायमंड निकल जाएंगे तो भी मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने तो पढ़ सकते हैं लेकिन टीम को आगे बढ़ाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। कुछ इसी सोच के साथ मैं चला और वीनस लेवल पर मैं विद फैमिली प्रमोशन लिया, जहां पर मैं भी था और मेरा पहला बेटा जो उस समय मात्र 5 महीने का था वो भी आया और वो भी वीनस लेवल पर आया, बहुत ही शानदार उपलब्धि थी। इस प्रमोशन की भी बहुत बड़ी खासियत है, जब मैंने ये प्रमोशन लिया तो इस दौरान मेरे संजीव सर मरकरी हो चुके थे, मैं वीनस लेवल पे था और मेरे मित्र विनोद सैनी दिनेश गुप्ता जी भी मेरे साथ वीनस बने थे, साथ में 3-3 ट्रिपल डायमंड 4 डायमंड और लगभग 10 रूबी के साथ हमने इस प्रमोशन को अचीव किया, बहुत ही शानदार रहा। और रियली मेरे लाइफ का ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से मैं 50,000 नेटवर्क को लीड कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ चल रहा था दोस्तों। रियली पीछे मुड़कर देखना नहीं, क्योंकि जीवन में जो चीजें मिलती हैं तो बहुत शानदार तरीके से मिले। जब से मेरा बिजनेस हुआ हर साल एक एक प्रमोशन लेकर मैं आगे बढ़ता रहा और 2014 तक मैं वीनस बन करके शानदार तरीके से अपने लाइफ को काफी सेटल कर चुका था। नेटवर्क में ट्रिपल डायमंड आ चुके थे, डबल डायमंड आ चुके थे, डायमंड आ चुके थे और रूबी के लाइन लग चुकी थी। ये सारा परिवर्तन शानदार तरीके से चल रहा था दोस्तों। फिर अपने बिजनेस को और बेहतरीन करने के लिए हम लोगों ने बूट कैंप ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपने टीम के कोर लीडर्स को लेकर के कभी आगरा में, फिर कभी जिम कार्बेट में, फिर कभी गोवा नैनीताल, इन सब जगहों पर ले जा करके अपने टीम को लेकर के अमृतसर, इन सब जगहों पर ले जा करके अपने टीम को एजुकेटेड करना, उनके लाइफ को चेंज करना, उनको अमेरिकी लाइफ की तरफ लेकर जाना, इस तरीके से काम करने हम लोगों ने शुरू किया और जिसका रिटर्न बहुत ही बेहतर तरीके से रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं और मेरे सर हम लोगों ने काफी प्रयास किया अपने बिजनेस को उठाने के लिए, जिसका परिणाम बहुत ही शानदार रहा, रिटर्न बहुत सुंदर रहे और हम लोगों ने फिर अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑल ओवर इंडिया में फैलाया। ये सब कुछ अगर है तो सिर्फ एक निर्णय की, जिस दिन हमने इस बिजनेस को हाँ बोला था, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मुझे
पूरे इंडिया में भी बिजनेस को करने का मौका मिलेगा। वो व्यक्ति जो कभी नौकरी के लिए परेशान था, आज वो नौकरी नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बदल रहा है। ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो सिर्फ दो रीजन, मेरे अपलाइन और इस प्यारी सी कंपनी शेफ टॉप की वजह से। एक और शानदार मौका मुझे मिला शेफ टॉप की वजह से। अभी कुछ दिन पहले मार्च में ही हम लोग का प्रोग्राम हुआ था आशीर्वाद आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से। रियली एक ग्रेट प्रोग्राम था जहां पर हम लोगों को विश्व गुरु रविशंकर जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। आप यहां पर देख रहे होंगे फिर एक नजारा, न जाने कैसा संयोग है कि सर जहां जहां एक कदम बढ़ाते हैं तो जो उनका निशान छूटता है ना वो मेरे लिए ही रहता है। मैं तुरंत उस पर चला जाता हूं क्योंकि मुझे छोड़ना ही नहीं है। आप सर जैसे आगे बढ़ोगे मैं पकड़ लेता हूं। यहां पर भी एक संयोगी था कि हम दोनों लोगों को एक साथ गुरु जी से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हम दोनों ने एक साथ यहां पर सर के साथ प्रमोशन लिया और वो आशीर्वाद और प्यार पाया जो आप यहाँ पर देख ले रहे हैं बूट कैंप आर्ट ऑफ लिविंग आशीर्वाद के थ्रू। रियली जीवन को बदल देने वाला एक अवसर जहां पर लोगों की जिंदगियां बदल रही थी। और मैंने उस दिन भी देखा कि सर के साथ रहने का क्या बेनिफिट है। हर कदम पर हम लोगों ने कभी समझ में नहीं आया रियली में वो, मतलब एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि वो दिन मुझे नहीं याद है कि सर से कभी मेरी तूतू मैं हुई। अगर सर मेरी बात को सुन भी रहे कभी नहीं आया कि मेरी सर से कभी तूतू मैं हुई, मैंने उनकी बातों का जवाब दिया हो। मैं जानता हूं कि जो जो इंसान आपको उठाने के लिए दुनिया से लड़ रहा है, जो आपको उठाने के लिए आपकी टीम को उठा रहा है, वो आपको कभी हराने का काम कर ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक साइकिल थी बड़े भाई की, उसी के साथ मैं पढ़ाई किया करता था और अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज इतने बड़े लेवल पे आप जो देख रहे हैं, ये जो मेरे बगल में खड़े हैं मेंटर, उनकी देन है। आज बहुत बड़े घर में लाके शिफ्ट कर दिया जिसको मैं भी आगे दिखाऊंगा अभी। तो ये सब चीजें हैं सर के बारे में। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये वो पर्सनालिटी है। एक बात की बात बताऊं, जब श्याम सुंदर सर हमारे बीमार हुए थे, श्याम सर का बिजनेस रन कैसे किया था, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बात मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला ना कहते ना कि जब आपको कोई चीज देता है ना तो उसके बदले में देखता है कि आपका वो सरदारी कितनी बड़ी, अगर वो बड़ी होगी तभी मिलेगा। श्याम सर का एक समय ऐसा भी आ गया था जब उन्होंने बिजनेस को छोड़ने का प्लान बना लिया था। जब श्याम सर ने बिजनेस को छोड़ने का प्लान बना लिया था और संजीव सर से बोला कि यार संजीव लग रहा है कि मेरे से बिजनेस नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत विपरीत परिस्थितियों में हूँ, तो संजीव सर ने उन्होंने कहा कि अरे मास्टर कहाँ भाग के जा रहा हूँ, चल मैं हूँ ना, चल मेरा तेरा बिजनेस बढ़ाता हूँ। तो जो अपलाइन अपने पैरेलल जो मेरी अपलाइन अपने अपलाइन के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आजमगढ़ दिल्ली और आजमगढ़ मऊ और इन सब जगहों पर जाकर बिजनेस बढ़ा सकती है, तो वो अपलाइन अपने टीम को कितना प्यार करेगी, बड़ी सोचने की बात है। तो ये सब कुछ मैंने देखा जब मैं सर का 2007 में प्रोग्राम हो रहा था नागरी नाटक मंडली वाराणसी में, जिसमें सर ने स्वयं बोला हुआ है कि आज मैं उस पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूँ जो मेरी अपलाइन तो नहीं है लेकिन अपलाइन की तरह उसने मुझे सींचा, मुझे पाला, मेरी टीम को बड़ा किया और हर उस बुरे दौर में मुझे संभाला जब मैं अपने आप को कमजोर फील करता था। तो ये पावर सर के पास है। तो जब मैंने देखा कि यार जो सीनियर जो अपलाइन अपने डाउनलाइन को इस तरीके से बात कर रहा है और वो अपलाइन मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, तो उसके साथ तो आंख मूंद के भागने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है, बस भागते रहो क्योंकि वो बंदा मुझे गिरा नहीं सकता। वैसे भी मुझ सक्सेसिव इनकम लेग में हो तो वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिक मुझे उठाकर लेके चला जाएगा। और नतीजा आज आपके सामने दोस्तों, सर का क्राउन हुआ है और सर ने जो लास्ट वाला लेवल छोड़ा मरकरी उसके आज हम लोग बैठे हुए शानदार तरीके से। तो सर की ही देन है, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। पावर ऑफ लिस्ट, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। कहते हैं ना कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात आती है कि जिसका हम लिस्ट में नाम लगते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन क्या आता है। सर के लिस्ट में मेरा नाम था। सर एक बार मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ कि आपके लिस्ट में मेरा नाम था जो आपने मुझे इस लायक समझा। अदरवाइज ये सत्यदीप सिंह आज कहीं और होता। इस लिस्ट में आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, कंपनी का प्रमोशन सौभाग्य हुआ था 27 नवंबर 2019 को, जिसमें कंपनी ने सौभाग्य प्रोग्राम किया था और सभी कंपनी के जितने भी पति है उनको स्टेज पर आने का मौका मिला था। यहाँ पर दो फोटो मैंने लगाया हुआ है जिसमें संजीव सर का 10 करोड़ से ऊपर का इनकम है जो हमारे करंट अपलाइन है और हम दो लोग विनोद सैनी जी और सदीप जो मरकरी लेवल पर हैं, हम लोग के 5-5 करोड़ के फोटो लगे हुए। मतलब क्या, इस बिजनेस में मैं फंसा सर के माध्यम से। कुछ लोगों की नजरों में अगर मैं बात करूं, लोकल लैंग्वेज में बात करूं, तो लोग कहते हैं कि फंसने का बिजनेस है। भाई साहब देख लो, मैं फंसा, मेरे सर ने मुझे फंसाया, अपने 10 करोड़ पर गए, हमें 5 करोड़ पर पहुंचा दिया। ये फंसने का नतीजा। अगर मैं भी बुद्धिमान होता ना मैं भी यही कह रहा था, अरे वाह कौन जाएगा 10,000 रुपये लगाने, 10,000 में जिंदगी बदलती है। भाई साहब 10,000 में जिंदगी नहीं बदलती है, 10,000 रुपये लगाने के बाद अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाओगे ना
वो पैसा आपके जीवन को बदल देगा, जैसे हम लोग के जीवन को बदल के रख दिया। ये जीवन पैसे लगाने से नहीं बदला, ये जीवन बदला समर्पण से, ये जीवन बदला विश्वास करने से, ये जीवन बदला धैर्य रखने से, ये जीवन बदला अपने अपलाइन पर अंधा विश्वास करने से कि सर आप मुझे डुबा ही नहीं सकते क्योंकि आप मेरे से आगे चल रहे हो, और जब आप नहीं गिरोगे तो मैं कैसे गिर सकता हूँ। तो उस तरीके से अंधा विश्वास करके चलने की जरूरत है। वो हमने बिलीव अपने सर पर किया, उसका नतीजा आज आप सामने देख पा रहे हैं कि सर आधी इनकम हमारे पास है। इस बात से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिनको जिनको भी लिस्ट में नाम लिखा जाता, मैंने भी जिसका नाम लिखा, आज वो वीनस लेवल पर है, आज वो डबल डायमंड लेवल पर, ट्रिपल लेवल पर है, उनकी लाइफ पूर्ण रूप से बदल चुकी है। तो पावर ऑफ लिस्ट है, जिस लिस्ट की महत्वता बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये लिस्ट नहीं होती तो मेरा नाम नहीं होता, और अगर मेरा नाम नहीं होता, अगर मेरी जगह किसी और का नाम होता, अगर यहाँ पर सर के भाई का नाम होता तो क्या मैं 5 करोड़ रुपए कमा पाया होता? असंभव। लेकिन सर के देना, उन्होंने मुझे अपने लिस्ट में जगह दिया, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अदरवाइज मैं इस लायक होता कहाँ? तो ये बहुत बड़ी चीज है सर, जो आपने मुझे पार्टनर चुना, जो आपने मुझे अपना हाफ पार्टनर चुना और मुझे मौका दिया कि आप जितना भी कमाओगे उसका आधा कमाई मेरे पास आएगा, आपकी मेहनत का भी आधा कमाई मेरे पास आएगा। तो ये सर बहुत बड़ी बात है। ये लोग तो अपनों को ही करते हैं, न जाने हो सकता है किसी जन्म में आप हमारे पूर्वज रहे होंगे और उसका रिटर्न आप मुझे दे रहे हैं आशीर्वाद के तौर पे। थैंक यू कोर टीम, कोर टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस कोर टीम के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। शुरुआती दौर में ये लोग हैं, सभी लोग साइकिल पर चला करते थे। अगर मैंने बात करूँ तो मैंने सबको इसमें से मैक्सिमम लोगों को देखा है, मैंने भी जिन लोगों को उठाया, बहुत बड़े परिवार से नहीं आए, उनके पास साइकिलें हुआ करती थी, लेकिन आज बिजनेस में कोर टीम बहुत ही मजबूत तरीके से काम कर रही है। ये टीम दिन प्रतिदिन काम बढ़ाती चली जा रही है, और हम सबका एक ड्रीम है कि हम लोग आने वाले 10 सालों के अंदर अपने नीचे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 डायमंड लेकर के आने की एक अपनी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि 1000 डायमंडों के साथ हम लोग शुरुआत करनी है। ये कोर टीम है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा, सबका कहीं ना कहीं योगदान है। हमारे विनोद सैनी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, दिनेश गुप्ता जी भी हैं, संजीव सर तो ऑलरेडी हमारे आइडियल हैं, लोकनाथ जी जो हमारे टीम से हैं, मिस्टर राम अवध जी, मिस्टर संतोष जी और भी बहुत सारे जो लोग इसमें पड़े हुए हैं, सब ने कहीं ना कहीं से साथ दिया और शानदार तरीके से बिजनेस हमारा डेवलप होता रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये कि ये कोर टीम, मैंने आपसे बोला ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे वही जाता है जिसके पास टीम होती है। ये टीम है, यही मेरी नींव है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपना 5 से 7 साल लगाते थे सिर्फ टीम बनाने, उसके बाद हमने अपनी लाइफ को शुरू किया, क्योंकि जब टीम ही नहीं रहेगी तो मैं करूंगा क्या? नेटवर्क में ताकत मेरी नहीं है, मेरी टीम की। अगर मेरी टीम ताकतवर रहेगी तो मैं ताकतवर बना रहूंगा। एक राजा की ताकत उसकी प्रजा में होती है, जब तक प्रजा खुशहाल रहेगी, बलवान रहेगी, तो उस राजा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों ये बात बहुत साफ समझ में आती है, और ये टीम, ये बिजनेस भी वैसा है, ये बिजनेस वैसा है कि जब हम अपनी टीम को खुशहाली कर, जब हम अपने टीम को बाइक दिलाएंगे, हम अपने अपने टीम को गाड़ी दिलाएंगे, हम अपने टीम को 4-व्हीलर दिलाएंगे, हम अपने टीम के सपने को पूरा करेंगे, तो उसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर वाला हमारे सपने अधूरे रहने दे ही नहीं सकता, वो तो ऑटोमेटिक पूरा होता चला ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए लव योर टीम, मैं लव करता हूँ अपने अपनी इस प्यारी टीम को, बहुत मैं प्यार करता हूँ इस टीम की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जो मेरा मुकाम है मेरी टीम की वजह से, जिन्होंने उस दौर पर मेरे ऊपर यकीन किया जिस दौर में मैं बिजनेस की शुरुआत कर रहा था, जिनको मैंने पकड़ा, उन्होंने विश्वास किया। ये उनके विश्वास के देन है कि जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे ऊपर वो भी ऊपर चढ़ते गए। अगर ये विश्वास नहीं होता तो मेरी आज मुकाम भी नहीं होती, और आज मेरे नीचे वीनस, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड की लाइनें नहीं होती। वीनस रूबी मरकरी की तो मैं बात ही नहीं करता, सॉरी रूबी और एमरल्ड की तो मैं बात ही नहीं करता। ये तो बहुत सारे लोग हैं, ये सभी लोग आने वाले कल के डायमंड है, इन्हीं को मुझे लेकर आगे जाना है दोस्तों। तो थैंक यू कोर टीम, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच, जो आपने हम पे यकीन किया और हम लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं एक ड्रीम बिल्डिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी ड्रीम बिल्डिंग कहते हैं ना कि अब टीम बिल्डिंग और ड्रीम बिल्डिंग, ये तो बहुत बड़ी चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम बिल्डिंग और ड्रीम बिल्डिंग। टीम तो बढ़ते जा रहा था, ड्रीम भी बढ़ते जा रहे थे। सर के साथ एक फोटो देख रहे हैं, सर का एक घर है यहाँ पर, एक आलिशान बंगला, जो इस बिजनेस में शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ तो जब हम लोग शुरुआत में चला करते थे तो एक स्प्लेंडर बाइक हुआ करते थे नीले कलर की, उसी पर बैठ करके हम लोग 500-500 किलोमीटर की दूरी तय किया करते थे। बैठे बैठे पीछे इतना दर्द होता था कि उठ उठ के उस पर हम लोग बैठते थे, ऐसे ऐसे करते थे, इतनी तकलीफें होती थी। लेकिन यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा जीवन में हो पाएगा, लेकिन उस मेहनत का रिटर्न आज मिलता है दोस्तों। जब सर का बंगला देखो तो लगता है कि हाँ किसी राजा का महल है शानदार तरीके से। सर ने अपना ही बंगला नहीं बदला बल्कि मेरे को भी एक शानदार सा करोड़ों की कोठी दिलवाई। विनोद सैनी जी का भी घर हमने लगा रखा है, दिनेश गुप्ता जी का भी घर लगा हुआ है, सारे घर हम लोग के बने हुए, सबके पास आज 4-व्हीलर है, सबके पास लाखों का नेटवर्क है। इन 4 लोगों ने जब मिल करके ये रेस की शुरुआत करी थी ना तो उसमें मैं सबसे पीछे आया था, लेकिन आज हम सब 3 लोग बराबरी पर आ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। 3 लोग मरकरी लेवल पर हैं, सर का प्यार और स्नेह है इसमें, तो कहीं ना कहीं से ये शानदार तरीके से बदलती जा रही है। ये सब कुछ संभव कैसे हुआ? सिर्फ बिलीव, समर्पण, सिर्फ विश्वास और समर्पण के साथ। कंपनी एक ही होती है, कहते हैं ना कि कंपनी और प्रोडक्ट में दम नहीं होता। अगर कंपनी और प्रोडक्ट में दम होता ना
तो कोई भी आदमी कामयाब हो जाता है। दम तो लीडर में होता है, अगर लीडर दमदार होगा ना तो कोई भी चीज को बेच सकता है, कोई भी चीज को बेच सकता है। तो एक दमदार लीडर ही पूरे जीवन को, दुनिया को बदल सकता है। एक दमदार लीडर ही किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, एक दमदार लीडर ही किसी के जीवन को बदल सकता है। और वैसे दमदार लीडर मेरे पास है और उनकी देखरेख में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज लाखों के नेटवर्क हम सभी के पास है, बहुत ही शानदार लाइफ स्टाइल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ होता चला जा रहा है। माय आइडिया संजीव सर, एक बार फिर से मैं सर आपको, मैं आपका ऋणी हूँ जो आपने मुझे सब कुछ दिया, जीरो से उठा करके हीरो बनाया। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब दूसरी टीमें भी ये बात बोलते हैं कि सर ने मेरे को हेल्प किया, मैं तो ताजुब करता हूँ कि अपनी अपलाइन की लेग चलाना किसी के, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी अपलाइन की लेग चला दे, लेकिन आप तो वो शख्स हो जिसने अपनी अपलाइन की लेग चला दी। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो श्याम सुंदर सर के बातों की स्पीच है जिन्हें उन्होंने बोला इतनी बड़ी बात। तो सर ऐसी पर्सनालिटी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो आपने मुझे अपना हाफ पार्टनर चुना और मेरे जैसे शख्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उठा करके आज करोड़ों के कोठी में बैठा दिया, अपना खुद की गाड़ी, अपना खुद का बंगला बना दिया, लाखों की महीने की इनकम पर ला दिया, लाखों का नेटवर्क बना दिया। सर इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए जो आपने मुझे चुना। आप ना होते तो शायद मैं भी कहीं नौकरी कर रहा था अपने परिवार की तरह से, परिवार के बाकी सदस्यों की तरह से, लेकिन सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये सब कुछ आपकी बदौलत है। आज जो लाखों लोग ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, चेक के बारे में सोचने नहीं पड़ता, पैसे आते रहते हैं, क्योंकि टीम है और टीम ही ताकत होती है। एक नेटवर्क की ही ताकत टीम ही होती है और कुछ होता नहीं है। और जब तक टीम है तब तक पैसे आते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा मेरे एक और आइडियल मिस्टर प्रवीण सर का, जिन्होंने हमेशा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखा। और आज के इस सेशन को जहां तक उम्मीद है कि टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ मैं बातें बोलना चाहूंगा कि अच्छी आदतें हमें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं इस बिजनेस में। कामयाबी के लिए जो मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आई कि अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन एक चीज मैंने सीखा कि अच्छी आदत बड़ी मुश्किल से आती तो जरूर हमारे अंदर। जैसे सुबह 5 बजे उठना हो तो बड़े मुश्किल काम है, सुबह 5 बजे उठ करके आपको व्यायाम करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके साथ जीना बड़ा आसान होता है दोस्त। आप सुबह 5 बजे उठकर देखिए, आपके शरीर में एक ताजगी होगी, व्यायाम करके देखिए, शरीर में एक रौनक से बनी रहती है, चेहरे पर स्माइल से बनी रहती है। तो मतलब क्या कि अच्छी आदतों के साथ अच्छी आदतों को अपनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर अपना लिया ना तो जीवन बड़ा खुशहाल हो जाता है और जीवन उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। एक दमदार लीडर ही बिजनेस को आगे लेकर चल सकता है। ऐसी शानदार चीजें मेरे साथ हुई हैं। इन सभी चीजों के लिए मैं अपने पूरे कोर टीम, लेट्स ग्रो टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनसे भी मैंने सीखा, जहाँ कहीं भी मैंने सीखा, उन सभी लोगों को मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ, जिनका आशीर्वाद और प्यार सुनने की वजह से ये सब कुछ हुआ। और साथ ही आज के हमारे इस बिजनेस के, जो हमारे संस्थान प्रोग्राम के जो सबसे टॉप लीडर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग मिस्टर संजय कटोक सर, उनको आमंत्रित करने जाऊंगा। लेकिन उनसे पहले मैं अपने एक पर्सनैलिटी लीडर और को भी बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण सर, जिनसे मैंने काफी सीखा है, एक बीटेक कर करके जिन्होंने शानदार तरीके से चीजों किया। तो मैं चाहूंगा कि सर आप प्लीज स्टेज पर आए, इस वेबिनार को हैंडल करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को सर प्रणाम। धन्यवाद सत्यदीप जी, और बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। और जितने भी लोग आज सत्यदीप जी को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम ऋणी हैं शंखनाद मंच के, हम ऋणी हैं संजय कटोर सर के, कि उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया कि जहां पर हम आपके आपको ऐसे लोगों से मिलवा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं कि जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के आइडियल हैं। हम बातें करते हैं कि किस तरीके की अपलाइन होनी चाहिए, हम बातें करते हैं कि किस तरीके की डाउनलाइन होनी चाहिए, आदर्श डाउनलाइन कौन होती है, आदर्श अपलाइन कौन होती है, ये आज यहाँ पर आपको सत्यदीप जी ने बता दिया। अगर आप ध्यान से देखें और सुने तो इससे बढ़िया उदाहरण हम पेश नहीं कर सकते कि किस तरीके की एक आदर्श डाउनलाइन होनी चाहिए या किस तरीके की एक आदर्श अपलाइन होनी चाहिए। एक ऐसी अपलाइन जो खुद अमीर नहीं हुई, अगर खुद गाड़ी ली तो उनको भी गाड़ी दिलाई। जितना मैं संजीव जी को जानता हूँ, जब वो डायमंड हुए तब लेफ्ट राइट रूबी थी, जब वो वीनस हुए उस दिन भी मैं वहीं पे था तो दोनों लेफ्ट राइट उनकी डायमंड थी, आज क्राउन हुए हैं तो लेफ्ट राइट दोनों मरकरी है। एक बेहतरीन अपलाइन का उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिया, और साथ ही सत्यदीप जी ने एक बेहतरीन डाउनलाइन का उदाहरण भी आपको दिया कि हनुमान कैसे बनना है। इतने सालों में, 12-15 सालों में, कभी उन्होंने अपने अपलाइन के डिसीजन पर शक नहीं किया। जो भी डिसीजन उन्होंने लिया उसको सर आंखों पे लिया, सर माथे पे लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा बुरा कभी नहीं चाह सकता। और यही हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि कैसी डाउनलाइन आपको बनना चाहिए और कैसी अपलाइन बनना चाहिए। जी हाँ, अगर सत्यदीप जी जैसे डाउनलाइन बनेंगे, करोड़ों के घर में रहेंगे और मरकरी बनेंगे।
और अपलाइन के बारे में मैं क्या बताऊं कि एक शानदार पर्सनैलिटी संजीव जी, जिन्होंने ना केवल डाउनलाइन अपलाइन सबका अपना साथ दिया, सबका उन्होंने साथ लेकर चले और सबकी हेल्प करी। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस मंच का, शंखनाद का, कि उन्होंने ऐसे ऐसे लीडर प्रोड्यूस करे। और इसका फायदा ये हुआ कि विनोद जी ने, लास्ट टाइम जिनको आपने सुना, विनोद जी ने सत्यदीप जी से करीबन 18-19 महीना पहले शुरुआत करी। उसके बाद सत्यदीप जी इस बिजनेस में आए, लेकिन दोनों मरकरी लगभग साथ साथ बने। यही फर्क होता है एजुकेशन का, यही फर्क होता है ट्रेनिंग का, कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग एजुकेशन उन्होंने ली, उतनी तेजी से उनकी ग्रोथ भी हुई। तो शंखनाद के इस मंच को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने शंखनाद के मंच का सृजन किया है, और जिनकी वजह से आज आप इतने सारे लोगों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं और बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, ये मंच उन्हीं का बनाया हुआ है। और मैं चाहता हूं वही आए इस मंच पर और एक क्लोजिंग करें, यहाँ पर बातें करें, आपको बताएं कि किस तरीके से आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्क्रीन मिस्टर संजय कटोसर। सर, आप प्लीज आइए और एक बार लोगों को बताइए कि किस तरीके से वो अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी लिसनर्स को, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं और जो लोग भी हमें देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही अच्छा है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं संजीव जी को उनके क्राउन बनने पे उनको बहुत बहुत बधाई दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सेफ शॉप में। सिर्फ इसके बाद एक क्राउन एम्बेसडर एक पौधा है, जहां पर पहुंचने के बाद आदमी अपने आप को सुपरमैन समझता है। हम लोग भी क्राउन एम्बेसडर हैं, लेकिन सुपरमैन नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है संजीव जी को ये बात। ऐसे मैंने एक गाना सुना था जिसमें बोलते थे कि मेरे दो अनमोल रतन, लेकिन मुझे लगता है कि संजीव जी आने वाले समय में गाना गाएंगे कि मेरे तीन अनमोल रतन, जिसमें विनोद सैनी जी होंगे, जिसमें सत्यदीप जी होंगे मरकरी लीडर, और मिस्टर दिनेश जी होंगे। तो मेरे तीन अनमोल रतन संजीव जी, आपको बहुत बहुत मुबारक क्राउन बनने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपके लीडर्स में मैंने देखी, जो उनकी भावनाएं देखी, आपके प्रति इतना ज्यादा प्यार, आपके प्रति इतनी ज्यादा सद्भावना, कि आपके माध्यम से ही आज जो कुछ भी वो लोग हैं, वो आज सिर्फ आपके माध्यम से ही है। और आने वाले समय में हम दिनेश जी को भी सुनेंगे। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। सत्यदीप जी के बारे में आज जो बातें हमें जानने को मिली, मुझे आज ऐसा लगता है कि बहुत सारे सूरज हैं, कहते हैं ब्रह्मांड में बहुत सारे सूरज हैं, हमें केवल एक ही सूरज नजर आता है, लेकिन सेफ शॉप में भी बहुत सारे सूरज हैं दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ चंद सूरज ही नजर आते हैं। सेफ शॉप के ब्रह्मांड में हम जिस दिन एंटर करेंगे, उस दिन हमें पता लगेगा कि बहुत सारे हजारों हजारों सूरज यहाँ पर हैं। और एक नए सूरज से आज हमारी मुलाकात हुई, सत्यदीप सिंह जी से, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी फैमिली से हैं वो, कभी भी उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई, फैमिली में पूरी शानो शौकत से उन्होंने जीवन निकाला है। और उन्होंने कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, बीकॉम किया, एलएलबी किया, और उसके बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को ही चुना। वो कहते हैं मैंने जिंदगी में पहला कोई फॉर्म भरा है तो वो सिर्फ सेफ शॉप का ही फॉर्म भरा है, मतलब सेफ शॉप में आने के लिए उन्होंने इस बिजनेस को सबसे पहले उन्होंने इसको चुना। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हम जो है ना, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हमारी फैमिली में भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरे के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको एक ही कारण है कि मैं कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर लूं, कौन सा काम कर लूं, उसके बाद मैं तुरंत नौकरी पे लग जाऊं। लेकिन दोस्तों, सत्यदीप जी ने बीकॉम किया, उसके बाद एलएलबी भी किया, और उन्होंने कभी नौकरी नहीं ढूंढी। ये बड़ी अद्भुत करने वाली बात मुझे लगी कि आदमी जब कोई ऐसी एजुकेशन लेता है तो नौकरी के पीछे भागता है। लेकिन मैं समझता हूं कि संजीव जी ने जहां उनको इस बिजनेस के बारे में बताया, उनके पास इतना विजन था। कहते हैं एजुकेशन जो होती है आपको एजुकेट करती है अच्छी चीजों को पहचानने के लिए। इतना विजन था कि उन्होंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देख के पहचान लिया कि भाई ये तो अथा सागर है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है और लोगों की हेल्प भी करनी है, तो इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये जो विजन उनको मिला और जो संजीव जी का साथ मिला, मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने समय समय पे बताया कि फ्लाइट में गोवा गए थे, और गोवा में सबसे पहले उन्होंने अपनी डायमंड शिप के बारे में बताया कि जब उनकी डायमंड शिप हो रही थी तो 200 सिल्वर लीडर उनके साथ में थे, और एक ही स्टेज पे उन्होंने इतना बड़ा मतलब समारोह किया, जिसके लिए बड़ी मुश्किल लग रही थी कि ये कैसे हो पाएगा। फिर शादी की, और उससे पहले
2012 में आई थिंक आपने बताया कि आप लोग सिल्वर्स का एक पूरा 80-90 लोगों को आप गोवा में लेके गए थे सूट पहना करके। मतलब क्या जज्बा होता है उस वक्त कि आपकी टीम आपके साथ में जो आपको गुरु मान रही है या आपको खैर ख्वाह मान रही है, जिस तरह से आपने संजीव जी के बारे में बताया, दोस्तों मुझे लगता है कि शायद ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है कि जब आप किसी को इतना खूबसूरत बना पाते हैं। क्योंकि हम भी यहाँ टाई पहन के बैठते हैं, हमने भी जिंदगी में टाई इसी बिजनेस में आके पहनी थी। सूट हमने जरूर अपनी शादी में पहना था लेकिन उसके बाद कभी दोबारा पहनने का मौका नहीं मिला। हमें भी खूबसूरत इस बिजनेस ने बनाया, हमें भी टाई पहनना इस बिजनेस ने सिखाया, हमें भी सूट पहनना इस बिजनेस ने सिखाया। और आपके माध्यम से अगर किन्हीं कुछ लोगों को ये सब चीज मिली है तो मैं कहता हूं कि आपने कहीं ना कहीं खुदा का काम किया है, ईश्वर का काम किया है। और जब हम दोस्तों ईश्वर का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर भी हमें जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे, आज सब लोग हम अपने अपने जीवन में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी हमारे को सुन रहे हैं, दोस्तों उनसे मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बिजनेस की ताकत को पहचानिए, आप समझिए, आप देखिए कि किस तरह से आप एजुकेशन के बाद नौकरी मत ढूंढिए, एजुकेशन के बाद आपकी आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, आप हर चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप जरूर हमारे बिजनेस को देखिए, उसको सुनिए, उसको समझिए और फिर एनालाइज कीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों कोशिश करने में कभी हार नहीं होती, ऐसे आपने भी सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती। तो हम लोग जो है ना बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग भी हैं, तीसरी तरफ हम दुनिया की मदद करने वाले लोग भी हैं, उनको भी अपने जैसा बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी दुनिया, आपको लगता होगा कि नहीं कुछ कंपनीज में जो पहले लीडर्स आ जाते हैं सिर्फ वही पैसा कमाते हैं या जो पहले आ गया वो पा गया, इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन आपने देखा कि जब हम आए हमारे साथ लोगों ने पैसे कमाए, जब संजीव जी आए उन्होंने पैसे कमाए, उनके साथ जो लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और जो सूट पहने हुए लोग आपने देखे गोवा जाते हुए, दोस्तों महसूस करिएगा कि आप कितनी बार गोवा जा पाए हैं, आप कितनी बार जिंदगी में गोवा जा पाएंगे या कितनी बार आप सूट पहन पाएंगे, कितनी बार आप अपनी अपलाइन का शुक्रिया कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार स्पीच, बहुत ही शानदार जानकारी सत्यदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने इतने सारे लीडर्स के लिए, इतने सारे लोगों के लिए उनको जिंदगी बनाने का अपना एक रास्ता बताया आपने, और मैं चाहूंगा, मैं समझूंगा इस बात को कि जरूर आप लोगों को सुन करके, आप लोगों को देख करके लोगों में जरूर एक भावना पैदा होगी कि वो भी इस बिजनेस को समझें, देखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, अपने उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी भटक रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी नौकरियां जा रही है, रोज आप अखबार में पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग दिक्कत में हैं, दुकानें चल नहीं रही हैं। मैं बुरी चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो सब कुछ आप लोग आप देख रहे हैं। हम लोग तो दोस्तों सिर्फ प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। हम चाहते हैं आप हमारे बिजनेस को देखें और इसको ज्वाइन करें। अगली बार फिर एक ऐसी ही शख्सियत से आप हमारी आपसे मुलाकात करवाएंगे हम लोग, और तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you.